Hi guys, welcome back to my channel Grace and Glow. This is Manjula Singh, a beauty expert. Festive season आने वाले हैं, wedding season आने वाले हैं, ऐसे में हमारे skin भी होने चाहिए perfect, glowing, crystal clear और खूबसूरत. Skin तो सबकी अच्छी होती है, लेकिन रख रखाव में या उसकी केयर करने में थोड़ी बहुत कमी जब रह जाती है तो skin बेचारा भी कहता है कि चलो थोड़ा ध्यान मेरी तरफ भी दे दो. इसके गुस्से में या तो उसके ऊपर पिंपल आ जाते हैं या फिर आपके ब्लेमिशेज आते हैं या फिर पिगमेंटेशन होती है. इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए, आधा अधूरा देखने से शायद आपकी प्रॉब्लम अच्छी तरह से नहीं होगा. आज मैं बताने जा रही हूँ कि आपके चेहरे पर किसी भी तरह का स्पॉट हो, डार्क स्पॉट हो, ब्राउन स्पॉट हो, एज स्पॉट हो, पिगमेंटेशन हो, हाइपर पिगमेंटेशन हो, या फिर हमारे माउथ के अराउंड या नोज के आसपास जो डिस्कलरेशन हो जाता है, उन सब समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है, इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे मिल सकता है. तो इस मास्क को बनाने के लिए जो हमारे फेस की पिगमेंटेशन को तो दूर करेगा ही, साथ ही साथ चेहरे को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और इवन स्किन टोन में कन्वर्ट कर देगा. तो सबसे पहले हमारा मेन इंग्रेडिएंट होगा, ये एक मिक्सचर है जिसमें मैंने मसूर दाल का पाउडर मिलाया है और उड़द दाल का पाउडर मिलाया है. उड़द दाल आप लोगों को पता ही होगा, और हमने इसको बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में मिक्स किया है. इस छोटे से टीस्पून से हमने एक चम्मच उड़द दाल का पाउडर लिया है और एक टीस्पून मसूर दाल का पाउडर लिया है. हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ये होगा, इसी स्पून से एक स्पून ऑरेंज पील पाउडर है, उसको भी हम इसमें मिक्स करेंगे. और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें मैंने पपाया डाला है और मिंट लीव्स है और तुलसी के पत्ते हैं. इस तीनों का ये मिक्सचर है जिसको मैंने कोर्सली ग्राउंड किया है. आप अच्छी तरह से देखिए तो आपको इसके टुकड़े भी मिलेंगे, क्योंकि एक तरह का स्क्रब में हमें कन्वर्ट करना है. तो ये मिक्सचर हमारा रेडी है. फिर से मैं बता दूं, इसमें मिंट लीव्स हैं, इसमें पपाया है और थोड़ा सा इसमें तुलसी के पत्ते हैं. अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ऑयली है तो आप इसका पेस्ट बनाएंगे थोड़े से रोज वाटर में. तरह से हम इसका पेस्ट हमने बना लिया है. बहुत ही पावरफुल फेस मास्क है जो आपके स्किन के जिद्दी से जिद्दी दाग धब्बे को भी हटा देगा. बस आपको पेशेंस के साथ इसको रेगुलर यूज करना है. ऑलमोस्ट आपको एवरी डे इसको अप्लाई करना है. तो इसको अप्लाई कैसे करना है ये मैं बता दूं. सबसे पहले हल्के वार्म वाटर से आपको अपना चेहरा साफ करना है और उसके बाद ये मास्क थोड़ा सा लेना है. ये हम इस तरह से मास्क को अच्छी तरह से लगाएंगे पूरे फेस पे और नेक पे. कभी भी जब भी आप कोई फेस मास्क यूज करते हैं उसको नेक पे लगाना नहीं भूलिए. ये देखिए हमने अप्लाई कर दिया है. और अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप इसमें रोज वाटर की जगह कर्ड यूज कर सकते हैं. इसको इसी तरह से हमें छोड़ देना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए. और ये जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद हमें हल्के से इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इस पैक को हटा देना है कुछ इस तरह से. 5 मिनट तक इसको इस तरह से मसाज करना है. इससे जितनी अच्छी तरह से फेस की स्क्रबिंग होगी आपके दाग धब्बे उतने ही जल्दी हटेंगे. आइए हमने देखिए इस तरह से वॉश कर लिया है. इसको वाइप ऑफ कर देती हूँ. इसको अच्छी तरह से पोंछ लेने के बाद अगला स्टेप होगा, थोड़ा सा हम एलोवेरा जेल लेंगे. ये आपके स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करेगा, इसमें नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा. एलोवेरा जेल भी अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है आपके स्किन को परफेक्ट रखने का. तो ये आपके स्किन को ना सिर्फ मॉइस्चराइज करेगा बल्कि नरिशमेंट भी देगा. तो ये देखिए ये हमने मसाज कर लिया एलोवेरा जेल से. ये आयुर्वेद का एक नियम है, इसके साथ कुछ लिमिटेशंस होती हैं. किसी पैक में कितने इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स के बाद डाले जाते हैं. तो कोशिश कीजिए कि जितने अमाउंट में और जो चीज़ें हमने डाली अगर वही आप डालेंगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा. सके तो ये एवरी डे आप इसको यूज करिए. आप इसको रोज लगा सकते हैं, सुबह या शाम कब लगाना है ये आप डिसाइड कीजिए. फेस वॉश जैसे आप होता है आप इसी का सब्स्टिट्यूट इसको मान लें, लेकिन ये आपके फेस को ट्रीट करेगा. हमारे फूड हैबिट्स में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें लेना है और वो प्रॉपर नहीं ले रहे होते, इस वजह से भी स्किन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. मैं आपको एक ऐसा ड्रिंक बताऊंगी, डिटॉक्स ड्रिंक, जो आपके फेस के साथ साथ आपके बालों के भी बहुत सारे प्रॉब्लम को दूर करेगा. उसके लिए बस वेट कीजिए थोड़ा सा. होप करती हूँ कि इन फेस पैक्स को लगाकर आप आने वाले वेडिंग सीजन में या फेस्टिव सीजन में आपका फेस ग्लो करेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे दिवाली के दिए जलते हैं. तो होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा. पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर एंड बाय बाय.